बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्रैंड ग्लैमर हाउस में खुश आमदीद। आज जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉलेजन बूस्टर रेसिपी। इसमें मैंने डाला है एक कदर छोटा सा, वो क्या कहते हैं उसको, आड़ू, एक खीरा है, खीरे के बाद थोड़ा सा छोटा कद्दू था उसको मैंने अदफा किया है ना, ये जो है ना ये सारा कद्दू है, ठीक हो गया। उसके बाद ये मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा है, इतना मोटा टुकड़ा था है 1.5 इंच का, जिंजर अदरक का एक इसमें डाला है जी, लेमन डाला है, लेमन का जूस डाला है, और इतने से पुदीने के एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते, इसको मैंने धो लिया अच्छे से, धो के और निचोड़ लिया। तो इसके अलावा एक छोटा सा बनाना था, ये मैंने जो स्मूदी बनानी है ना ये 3 ग्लास बनानी है 3 बंदों के लिए, इसलिए केले को और आड़ू को 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाना है, इससे कोई वो क्या कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होगी तो थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा, थोड़ी सी जो है ना वो लुक भी ना क्या कहते हैं टेस्ट भी इसका इन्हेंस हो जाएगा। इसको आप मैंने डालना है ब्लेंडर में, ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये अब मैंने ब्लेंड कर लिया है, इसमें मैंने ना जायके के लिए स्टीविया डाल दिया है 1/2 चम्मच, और इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच मोरिंगा पाउडर। ये मेरा हो गया नाश्ता, ये मैं करती हूँ डेली नाश्ता, मैंने आपसे पहले भी ये वीडियो शेयर किया, वो तकरीबन 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स थे उनके, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा डाले हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक भूख ना लगे। 3 बंदों के लिए मैंने बनाया है, और 2.5 ग्लास इसमें ना 2.5 कप बल्कि मैंने पानी के डाला है, तो ये एक जग भर गया था, इसमें से 1 गिलास ये निकाल लिया मैंने, बाकी ये सारे तीनों बंदे ने हमने ना तीनों बंदों ने पीना है तो हमारा ये नाश्ता होगा। हमने करनी है इंटरमीडिएट फास्टिंग, और लेट 1 मील खाना है हमने, ठीक है जी। दुआओं में याद रखना है, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।